जो यहाँ पे आंदोलन किया गया है किस विषय को लेकर किया गया है? आज जो रेलवे प्रवासी है जो जिनको गवर्नमेंट महानगर पालिका ने जो अभी नियम बनाया कि दो वैक्सीनेशन होने के बाद 15 दिन के बाद वो रेलवे प्रवास कर सकते हैं, पर उन्होंने अभी क्या निकाला नया रूल, क्या पास उनको दिया जा रहा है, मंथली पास उनको दिया जा रहा है। पर हमारी ये मांगनी है क्या जो जिन लोगों को डेली किधर जाना है, एक दिन के लिए किधर जाना है, दो दिन के लिए जाना है, उनको टिकट आप खरीदने की मुभा दे और उनको भी प्रवास करने के लिए आप अभी वैक्सीन BMC के पास अवेलेबल नहीं है पर प्राइवेट लोगों के पास अवेलेबल है। मतलब ये कहीं ना कहीं तो षड्यंत्र ही है ना लोगों से पैसा निकालने का। BMC फ्री में दे रही है और प्राइवेट में 700-800 रुपया ले रहे, तो दो दिन वैक्सीन दे रही थी, चार दिन वैक्सीन नहीं रही, अभी चार दिन के बाद आज वैक्सीन है। तब ये कहीं तो षड्यंत्र है शासन का, ये गलत है, इससे लोगों को परेशानियाँ हो रही है। अभी किसको हॉस्पिटलाइजेशन जाना रहेगा या किधर फंक्शन में जाना रहेगा, अभी फैमिली रहेगी, कल एक फैमिली थी 5 जन थे, उनको कहीं फंक्शन में जाना था तो उनका बच्चा टिकट निकालेगा क्या, मतलब 18 साल का बच्चा टिकट निकालेगा? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं दोनों का यहाँ पे निश्चित करना चाहता हूँ। वैक्सीन के बारे में ये लोग जो नियमावली जाहिर करते हैं उनको मालूम ही नहीं उनको क्या कर रहे हैं। जब वो वैक्सीन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो तुम क्यों वैक्सीन का आप इतना ढिंडोरा पीट रहे? वैक्सीन अगर है, मंडे को वैक्सीन आ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल BMC हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल सब जगह पे वैक्सीन मिल रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है? आपको अलग से धंधा करना है क्या? अलग से धंधा करना है तो लोगों को चूतिया क्यों बना रहे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार है और इनका निषेध करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। तो सर आपकी मांगे क्या रहेगी सर? हमारी मांगे यही है कि अगर आपने ये नियम किया है कि भाई दो वैक्सीन जिसका हुआ है और 14 दिन के बाद आप अगर लोगों को ये कर रहे पास देना चाहते हो तो पास ही क्यों? रेलवे के हर आदमी जो रेलवे से प्रवास करना चाहता है उसको मिलना चाहिए। तो सर आपकी मांगे अगर नहीं पूरा होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? माननीय राज साहब जो डिसाइड करेंगे और जो माननीय राज साहब डिसाइड करेंगे वो होगा, और माननीय राज साहब क्या डिसाइड करेंगे ये तो लोगों को पता चलेगा ही।